स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, यानी 75 करोड़ देशवासी सूर्य नमस्कार करने की एक मुहिम आरंभ करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आदबद्री के इस जो है सरोवर है, जहां पर कुंड बने, हवन कुंड बने, वहां पर भी एक मुहिम आरंभ हुई है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर योग साधक आज इस मुहिम की शुरुआत अपने ज़िले में करने जा रहे हैं, जिसमें 75 करोड़ देशवासियों में ये लोग भी शामिल होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न संस्थाएं, पतंजलि योग समिति, क्रीड़ा भारती, योग भारती के तत्वावधान में ये जो है मुहिम आरंभ हुई, उसका आज पहला दिन, और देख सकते हैं कि कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, ऐसा संकल्प हम सभी संस्थाओं ने मिलकर लिया है। तो आज 30 जनवरी से 7 फरवरी तक का जो अभियान है, इस अभियान का प्रारंभ करने के लिए हम सभी मिलकर के आज हिंदुस्तान की पावन धरती, पावन सरिता, सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे हैं। मैं आपका क्रीड़ा भारती की ओर से बार बार यहाँ पहुँचने पर अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आज आपको हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो अपने बीच में उपस्थित हैं, वो कुछ आज़ादी महोत्सव के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर आपको बड़े अनुशासन के साथ, बड़ी व्यवस्था के साथ पूरे इस परिसर में अपने अलग अलग मैट बिछा करके सूर्य नमस्कार के लिए तैयारी करनी है। आज वास्तव में अगर हम सिंगावलोकन करेंगे तो ये आज़ादी की लड़ाई कोई 190 वर्ष की नहीं है, जब से अंग्रेज इस देश पर शासन किया, ये लड़ाई बहुत लंबी है। वैसे तो 8वीं शताब्दी से ही अपना देश संघर्ष रहत रहा है विधर्मी और विदेशियों के सामने, लेकिन मुख्यतः लड़ाई लगभग 1000 वर्षों से चली। 1000 वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे बलिदानियों ने, हुतात्माओं ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। हम सब जानते हैं गोरी और गजनी के बाद यहाँ पर व्यापक रूप से इस्लाम का अवतरण हो चुका था। उस लड़ाई को अगर वहाँ से भी चलें तो हमारे इस लंबे कालखंड में देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो इस्लामी आक्रमणकारियों के सामने झुकने को तैयार था, वो हमेशा लड़ते रहे। सूर्य नमस्कार से पूर्व वार्म अप एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम करा जा रहा है, ताकि सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात सूर्य नमस्कार करने में कोई दिक्कत ना आए, शरीर वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए। तेरह सूर्य नमस्कार यहाँ पर योग साधकों द्वारा किए जाएंगे, आधे घंटे का समय। 13 सूर्य नमस्कार, उसके बाद अपना करेंगे व्यक्तिगत। 13 तक काउंटिंग पे होगा, जो कमांड मिलेगी उसके अनुसार, उसके बाद आधे घंटे तक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करते रहना है, रुकना नहीं है, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है आधे घंटे में उसी को डिवाइड कर लेना। सूर्य नमस्कार अब आरंभ हो चुका है, मंत्र के उच्चारण के साथ, ओम मित्राय नमः के साथ ही सूर्य नमस्कार जो है शुरू हो चुका है। पांच पर्वतासन, चार पर्वतासन, पांच अष्टांग नमन आसन, नीचे सर्पासन, ऊपर देखेंगे आकाश की तरफ, बाजू सीधे करेंगे, पर आगे लेंगे अश्व संचालन आसन, ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, पीछे नमस्कार, ऊपर से वापस पोजीशन में आ जाएंगे।
ओम सूर्याय नमः। सूर्य को नमन करते हुए योग साधक सूर्य नमस्कार का सूत्र कर रहे हैं। पचहत्तर करोड़ देशवासी सूर्य नमस्कार करेंगे। इस मुहिम को बल देते हुए हमारे क्षेत्र के योग साधक देख सकते हैं सुंदरलाल जी हमारे तेरह सूर्य नमस्कार हो चुके। इसके बाद फिर अपने सामर्थ्य शरीर के अनुसार जो है अब योग साधक इस कार्य में लग चुके हैं। संख्या जो अब उसकी गति जो है निर्देश जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसी स्पीड से जो है योग साधक सूर्य नमस्कार अब कर रहे हैं। अब देख सकते हैं तेरह सूर्य नमस्कार तो सबने सामूहिक रूप से किए, उसके बाद अब अगली स्पीड जो है लगातार की है। कितना कुछ ज़्यादा करेगा सब यहाँ पर काउंट हो रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौंदर्य है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड बी। आज कितने सूर्य नमस्कार किए? 13। कैसा लगा सूर्य नमस्कार करते हुए? अच्छा। थकावट तो नहीं हुई? नहीं। डेली करते हो? आज ही किया है? कभी कभी करते हैं? कभी कभी। अब आगे आज से डेली से करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। कितने सूर्य नमस्कार किए हैं? 13। कैसा लगा सूर्य नमस्कार करते हुए? अच्छा। अच्छा, और आगे से करेंगे या पहली बार किया? पहले भी करते थे? पहले भी करते रहे हैं, ठीक। मैडम जी जानकारी दीजिए आज कैसा लगा? जी, ये मुहिम तो काफी दिनों से चल रही है जी। आज 30 जनवरी से जी 7 फरवरी तक ये एक नई फिर से मुहिम चलाई गई है जी। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जग का जो टारगेट था वो तो बहुत खुशी से कहने में गर्व हो रहा है कि वो आज पूरा हो चुका है जी। और जी, ये अगला फिर से नया टारगेट शुरू हुआ है। नया टारगेट शुरू हुआ जी। तो आज सामूहिक रूप से किया तो फिर आज बहुत अच्छा लगा होगा। स्वाभिमान ये सभी संस्थाओं ने मिल के किया है यहाँ पे सरस्वती उद्गम स्थल पे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि प्रकृति की गोद में निरामय स्वच्छ वातावरण में स्वच्छंद, ठीक है, कितना अच्छा वातावरण है। आगे सामने सरोवर जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। स्वर्ग सा सुंदर नजारा जी। जी बताइए आज कैसा लगा? एक सामूहिक रूप से आपने भी सूर्य नमस्कार किए और मुहिम को लगातार आप आगे चला रहे हैं जी। जी, जी बहुत अच्छा लगा जी। जी और हम सब ने मिलकर सूर्य नमस्कार किया है जी। और मैंने खुद 25 बार सूर्य नमस्कार किया है आज अभी। बहुत बढ़िया, आप तो लगातार कर ही रहे हैं, डेली कर रहे हैं आप, वीडियो डालते हैं जी। तो इस मुहिम को सफल आप करने अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। योगदान है जी हमारा पतंजलि योग परिवार का। वाह जी वाह। और मैं यहाँ से जिला कोऑर्डिनेटर भी हूँ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुखपाल जी का। वाह जी वाह जी, हमारे इसको कवरेज को पूरा दिखा रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद। वाह जी नमस्कार। इंद्र जी पहले तो ये बताइए कितने सूर्य नमस्कार आपने आज किए? मैंने 13 किए। 13 किए, तो आप इस मुहिम के बारे में बताइए आज कैसी लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा है, काफी लोग जो है इकट्ठे करके जब 13 बार तो सबने ही किया है, बाकी आधा घंटा करेंगे जी। कोई 50 बार कोई 51 बार तो चाहिए जी। जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो आपकी मुहिम अब सफल मानी जा सकती है? बहुत सफल है, आपके इलाके आपके जिले में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। हम कल कहीं गए थे कई जगह, तो वहाँ भी 1000-1500 आदमी जो है बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जी। धन्यवाद। अब जय कुमार जी हमारे प्रिय से लगभग 50 से ज्यादा उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, तो क्या कहना चाहेंगे जय कुमार जी? देखो जी, ये जो कार्यक्रम इस धार्मिक स्थल पर रखा गया है, RSS के विभिन्न आयाम और पतंजलि
का सहयोग ये सभी संघ के साथी कर रहे हैं और अपने देश को फिट बनाने के लिए, ताकि ये देश दुनिया में हिट हो। बहुत बढ़िया, आज सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। देश और पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त है, इसलिए हम ये उपदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आप इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल होकर हर रोज 13 सूर्य नमस्कार करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपनों को स्वस्थ बनाएं। तो मुहिम कुश प्रताप जी से बात कर लेते हैं। उमेश जी, पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी कमांड में आपके नेतृत्व में यहाँ पर हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का इसको देखते हुए? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो सभी संस्थाओं ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि हम 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करेंगे, तो इसको किसी कार्यक्रम को नहीं मानना चाहिए। ये कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, ये यज्ञ है। जी जी, और इस यज्ञ में हम सभी मिलकर के समाज के सभी वर्ग, सभी व्यक्ति, देश के सभी नागरिक अपनी आहुति डाले, इस भव्य महोत्सव का साक्षी बने। और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के लिए आपको खुले मैदान में आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भीड़ में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने परिवार में, अपने घर के बरामदे में ही, अपने बच्चों के साथ छत पे, अपने परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ सूर्य नमस्कार करें। कहीं ना कहीं इसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो यही है कि सूर्य नमस्कार हर नागरिक के स्वभाव में आए, ताकि वह स्वस्थ रहे। अगर नागरिक स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। तो आज ये मुहिम तो चली रही थी आपकी पिछले कई दिनों से, आज ये क्या एक नया प्रोजेक्ट लगाया कि सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया और एक यहाँ पर एक बौद्धिक भी अच्छे स्तर पे हुआ, और क्या एक मुहिम का एक हिस्सा था आज का ये कार्यक्रम? हाँ जी, ये सरकार ने 21 दिन का जो कार्यक्रम किया था वो पहले से चला रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। 75 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और भी रजिस्ट्रेशन होकर के देश का नाम गिनीज बुक में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक विभाग ने यह संकल्प लिया था कि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक हम एक अभियान चलाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर गांव में रहता हो। जी जी जी, उन लोगों तक पहुंचकर सूर्य नमस्कार के लाभ बताए जाएंगे। तो आज ये उसका एक हिस्सा था, शुरुआत आज प्रारंभ हुआ है। जी जी, तो प्रारंभ करने के लिए हमने बैठक में निर्णय लिया कि सरस्वती का जो उद्गम स्थल है, जी जी, ये अपने आप में विश्व धरोहर है और विश्व में इसकी पहचान है, तो क्यों ना हम इसके आंचल में आकर के सूर्य नमस्कार करें, ताकि सरस्वती नदी का जो पवित्र जो सानिध्य है वो भी प्राप्त हो, इसका प्रचार प्रसार भी दूर दूर तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम से अब जुड़ेंगे। अब आपके सानिध्य में काफ़ी शिक्षार्थी मैं देख रहा हूँ, आप पहले तो अपना पूरा परिचय बताइए, किस प्रकार से ये आपकी ट्रेनिंग कैंप चलता है और यहाँ पर कितने अच्छे से हमारे किशोर किशोरियाँ यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनके बारे में परिचय देते बताइए कि किस प्रकार से आज ये मुहिम का हिस्सा बने हैं। यहाँ पे ये बच्चे जो कराटे की अकेडमियों से आए हैं, लेकिन यहाँ कराटे की अकेडमियों के माध्यम से जरूर आए, लेकिन ये क्रीड़ा भारती के बैनर तले आए हैं। ठीक है, बात ठीक है। जो क्रीड़ा भारती संघ का एक संगठन है, जी 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 जी, ये जिले में जो उसकी इकाई है उस इकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए ये आए हैं, और ड्रेस में इनको इसलिए लाए हैं ताकि एक अच्छा सिमेट्री, अच्छा व्यू, बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी भावना जुड़े कि भाई हमें कोई भी काम करना है वो अनुशासनात्मक ढंग से करना है। नमस्कार के बाद फोटोग्राफी का एक आनंद हमारे ये योग साधक इस वक्त ले रहे हैं, इनसे ही अब बातचीत करेंगे। जी मैडम, बताइए जरा अपना परिचय देते हुए बताइए कि कैसा आज महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ अनुभव नया आया यहाँ पे। मेरा नाम विभाग डॉक्टर विभाग गुप्ता है। जी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम डीएवी जी 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 नगर से हूँ, और नया अनुभव मैं ये कह रही हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने नए नए आयोजन बड़े ही अच्छे ढंग से आयोजित करने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और आज महात्मा गांधी की पुण्य तिथि है, इस उपलक्ष्य में इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण में ये जो सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम का आयोजन हुआ है क्रीड़ा भारती के द्वारा, ये बहुत ही एक प्रशंसनीय कदम है इन सबके द्वारा। आप ही बताइए क्या कुछ कैसा अनुभव आपका आया आज संक्षिप्त में? संक्षिप्त में तो ये रहा कि अद्भुत अनुभव रहा और बहुत अच्छा लगा हमारे, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, ये सरस्वती माता के जो अपना जी जी उद्गम स्थल है, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पर एक अलग ही माहौल है और अच्छा लगा आपको। कितने सूर्य नमस्कार किए? 13 प्लस के। जी मैडम, बताइए नाम आपका।
मेरा नाम मनीषा है, मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हूँ जी। और आज यहाँ सूर्य नमस्कार करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मैंने तो लास्ट तक ही सूर्य नमस्कार किया है। पहले भी करते रहे यहाँ पे? हाँ जी, मैं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे थे आप। रूटीन में ही करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, मुझे योगा फिट है एकदम से। हाँ जी, मुझे योगा करना पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत स्कूल कॉलेज टाइम से ही मैं योगा की जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यमुनानगर हिसार से आई हूँ। हिसार से आई अभी यमुनानगर। तो आज मतलब कुल मिला के अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? हाँ जी, बहुत मजा आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एकेडमी के बच्चा देखिए, एक छोटा सा प्रदर्शन ये बच्चे लोग कर रहे हैं। ये देखिए प्रदर्शन, अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन, कराटे की कला का प्रदर्शन। सर तीनों का एक साथ आना चाहिए। सन सी ओ रुक सिस एच क्यू क्यू जूच जूनी जूसन सी को रुक सिस आज क्यू जू। बेमिसाल कृतियां बनाते हुए आत्मरक्षा का एक उपाय। ये तीनों लड़कियां सर, ये कौन सी पद्धति की थी ये जो आपने कराई अभी? ये अभी इन्होंने काता सियोनचिन काता किया था, टीम काता। ये कहाँ की है ये जो है? ये जापान की। जापान की, ठीक है ठीक है। और ये तीनों ही लड़कियां नेशनल लेवल की गोल्ड जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लड़कियां हैं तीनों, देखने में लड़के लग रहे। लड़कियां हैं तीनों। तो ये अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही है, उसी के अंतर्गत ये जी 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 काता इन्होंने वहाँ परफॉर्म करना है। काता का नाम था सियोनचिन काता। ठीक है, चलिए मिलते हैं इनसे भी। मैं तो लड़के ही समझ रहा था इन तीनों को। चलिए इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति, हाँ जी। तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है, कहाँ से सीखा आपने सारा? सरजा प्रकाश सर है, जो कुछ भी है। अच्छा अच्छा, उन्होंने किया है। तो नेशनल लेवल कहाँ पे हुआ था आपका? सर इंदौर में। इंदौर, वहाँ पे पोजीशन बनी थी आपकी। हाँ जी। तो अब क्या उद्देश्य, अगला टारगेट क्या है? सर अभी यूनिवर्सिटी गेम होगी। यूनिवर्सिटी जी, आप भी बता दीजिए अपना नाम। ज्योति। आप तो लड़के होंगे? नहीं, लड़की है। ठीक है, बात तो आज बड़ा अच्छा। क्या क्या दिखाया था आपने, क्या प्रदर्शन था ये? काता था ये। हाँ, तो ये आज लड़ना अंगे का ही है एक तरीका मतलब। चलिए, आप भी अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम तन्नु है जी। मैं नेशनल कराटे की और अभी ऑल इंडिया की तैयारी कर रही हूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब आपसे मिलाते हैं आचार्य कुलम के विद्यार्थी हैं पर्व जी। अपने एक विशेष कृति कला का प्रदर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए आचार्य कुलम के एक विद्यार्थी, तो क्या कुछ वहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रदर्शन, जय कुमार जी, सुंदरलाल जी, उनकी पूरी टीम, सुखबीर जी वगैरह खड़े हुए हैं। तो एक प्रदर्शन यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है, तो बहुत बहुत बधाई। तो ये कहाँ, क्या नाम है आपका? ओम जी, मेरा नाम पर्व है। पर्व जी, कहाँ से सीखा है सारा कुछ? मैंने चाहिए स्कूल से सीखा है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो और योगा वगैरह करते हैं आप? योगा किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।